बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के जिला अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना को लेकर प्रदेश में संगठन की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी भी वीसी में मौजूद रहे। वीसी में दोनों नेताओं का ज्यादा फोकस उन जिलों पर रहा जहां कोरोना वायरस की स्थिति भयानक है। इन जिलों के जिला अध्यक्षों को नड्डा और संतोष ने विशेष सावधानी बरतते हुए क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, अजमेर और डूंगरपुर के भाजपा जिला अध्यक्षों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक सुझाव भी मांगे। इस दौरान जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष सुनील कोठारी ने जयपुर में कोरोना वायरस से उपजे हालातों की जानकारी दी। उन्होंने खासतौर पर रामगंज इलाके के हालातों की जानकारी दी और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे कामों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता किस तरीके से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भूखा न सोए। इसी के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान भाजपा की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब प्रदेश के मुझसे और हमारे संगठन मंत्री और हमारे 44 जिलों के जिलाध्यक्षों से जुड़े और उन्होंने राजस्थान में कुछ अपनी तरफ से उन्होंने एडवाइस किया और राजस्थान के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने भीलवाड़ा, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित जिले हैं, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर, इनसे भी इनके जिलाध्यक्षों से बात करी। कुल मिलाकर जो निर्देश थे उनकी तरफ से हमारे को, एक तो जो हम लोग काम कर रहे हैं कि ऐसी आपदा के समय हमारी पार्टी की तरफ से क्या इनिशिएटिव है, और ये माननीय मोदी जी का एक विजन था कि हम लोग केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़ के भी लोगों के बीच में काम करें। सतीश जी, चंद्रशेखर जी और प्रमुख नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने राजस्थान के अंदर कोरोना की स्थितियों की जानकारी ली, साथ ही पार्टी के जिस प्रकार इस कोरोना के अंदर लोगों के साथ प्रत्येक जिले के हिसाब से उनकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कोरोना के युग में अपने आप को एहतियात बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए और अपने अपने बूथों पर जो कमजोर ऐसा है और गरीब परिवार हैं उनके साथ